Hey, enjoy. Where's the glass? You were akele ho. Wife nahi laya? Nahi. Very good. Where's my pretty wife? Anniversary wife? Oh, come on, dear, come on. Oh, Mayur. Happy anniversary. Enjoy. Happy anniversary. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. दोस्तों आजकल जब आदमी शादी करता है ना तो एक ही साल में अपने घुटने टेक देता है, लेकिन हमारे महेश जी को देखिए, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। वाह! अरे यार, नजर मत लगा, तेरी शादी को भी तो 30 साल हो चुके हैं क्या? भैया, अपनी शादी का फॉर्मूला एकदम साफ है। अभी जी, हम तो जोरू के गुलाम हैं। अरे हाँ यार, शादी के नाम से मुझे एक जोक याद आया। तो जो क्यों है कि एक बार एक आदमी की शादी हुई। हाँ, आगे? अरे यही तो जोक है। ये नहीं सुधरेगा। हाँ? माफ कीजिएगा भाभी जी, शादी के बाद आदमी की जिंदगी एक मजाक बन के रह जाती है। रवि दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ? वो भी तो आने वाला था पार्टी में। हाँ, रवि साहब सुधे मेरी बात हुई, आने वाला था, मेरा फोन देना जरा। अरे ठहरना यार, मैं लगाता हूँ उसे फोन। ये लो, उसी का फोन आ रहा है। 100 साल जिएगा ये। अरे रवि, अरे कहाँ है तू यार, हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो मयूर, मयूर मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब बोलना, क्या बात है यार? मयूर, 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 मैं... गर्लफ्रेंड कहाँ पे सर? यहाँ पे। कौन सी गर्लफ्रेंड सर? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तू चैटिंग कर रहा था लैपटॉप पे। क्या है ना सर, कॉलेज की दोस्त थी सर, कई सालों के बाद इंटरनेट पे मिली तो बस हालचाल ही पूछ रहा था सर। विवेक जी, आपने कभी बताया नहीं अपने कॉलेज की सहेलियों के बारे में? सर, सहेलियां कहाँ सर, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता था सर, इसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता था सर। अच्छा, तो फिर तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? दाशा, इसे आईना दिखाना, देखो कैसे लाल हो गया है लाल का चेहरा। सर, चेहरा तो लाल ही दिख रहा है। सर, वो एक्चुअली लाइट की वजह से चेहरा लाल दिख रहा है सर। हाँ, लाइट? कौन से लाइट? विवेक, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड थी? अच्छा, मैं तुम्हें एक मिनट, क्या कह रहा था विवेक तुम? कुछ नहीं सर, ये लोग कुछ ऐसे ही कह रहे हैं सर। सर, विवेक की कहीं से गर्लफ्रेंड आ गई। गर्लफ्रेंड? कहाँ पर है? कहाँ है? एक मिनट विवेक, दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। गर्लफ्रेंड? नहीं सर, वो मैंने तुम्हें डीएनए का रिपोर्ट चेक करने के लिए कहा था। सर, मैं वही कर रहा था सर। रिपोर्ट देख के हंस रहा था। रिपोर्ट पढ़कर हंस रहे थे तुम? अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं डीएनए रिपोर्ट पढ़कर, और तुम हंस रहे थे? सर, सर प्लीज, प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। कौन है आप? सर, मेरा नाम मयूर है और ये मेरे दोस्त महेश है। सर प्लीज, हमारी कुछ मदद कीजिए सर, हमारा दोस्त बड़ी मुसीबत में सर, प्लीज। कैसी मुसीबत? सर, हमारा दोस्त रवि लापता हो गया है, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। गायब है? कब से गायब है? यही करीब 1 घंटे से। मतलब आखिरी बार तुम लोगों ने उसे 1 घंटे पहले देखा था? नहीं सर, 3 महीने पहले देखा था। एक मिनट, तुम कह रहे हो आखिरी बार तुमने 3 महीने पहले देखा, और तुम कह रहे हो कि 1 घंटे पहले, ये चक्कर क्या है? सर, दरअसल मेरे दोस्त महेश की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, उसमें रवि को भी आना था, लेकिन वो तो नहीं आया, उसका फोन आया। तो क्या कहा उसने फोन पे? सर, वो मुझे कुछ बताना चाहता था, इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताता अचानक फोन पर मैंने उसकी चीख सुनी, और सर उसके बाद उसका फोन बंद हो गया सर। सर कुछ कीजिए सर, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज। सर, मेरे दोस्त रवि को कुछ हो न गया। अब जरा नंबर दीजिए रवि, हम लोग फोन ट्रेस करते हैं।
फ्रेडे। हाँ कुछ मिला क्या? अरे कुछ भी नहीं मिला सर, मच्छरों के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे कमाल है यार, मैंने तुम्हें वहाँ कुछ ढूंढने के लिए भेजा है, मच्छरों से कबड्डी करने के लिए नहीं। और तुम्हें क्यों मच्छर काटते हैं? मेरा खून मीठा है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ। मच्छर काट रहे, ये वॉलेट में क्रेडिट कार्ड पैसे सब वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब लूटने के लिए खून नहीं हुआ? हो सकता है इसने आत्महत्या की। मगर वो लोग तो कह रहे थे कि ये महेश की पार्टी में जाने वाला था, तो फिर यहाँ इतने वीराने में इस बिल्डिंग में क्यों आया होगा? या फिर शायद किसी ने इसे यहाँ बुलाया होगा। अब बस ये देखो, इसके हाथ में ये C134 लिखा हुआ है। C134 क्या हो सकता है? आप लाश को हाथ नहीं लगा सकते, वो मेरे पति है और आप कह रहे कि मैं। Excuse me, आपको क्या लगता है कि क्यों की होगी उन्होंने आत्महत्या? नहीं सर, आप कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। रवि अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते और वो आप दोनों को इस तरह अकेले छोड़ के जाने का तो सोच नहीं सकते। आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ इनका? हो सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? इनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था, बड़ा हंसमुख इंसान था सर, न कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, न किसी दुश्मनी, कभी नहीं सर। सर पर वो दो दिन से काफी परेशान थे सर। परेशान थे? किस बात पे परेशान थे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो C134 लिखा है इनके थैली पे, इसके बारे में कुछ मालूम है? मैं नहीं जानती। आप लोगों को कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं सर। तुम्हें पता है रोहित? नहीं सर। नहीं सर। क्या हो सकता है ये C134? आत्महत्या है या खून? बस मुझे लगता है ये रवि ने आत्महत्या की। सड़ों के मयूर ने रवि की चीख सुनी थी टेलीफोन। अगर ये आत्महत्या होती तो रवि चीखता नहीं था। इसे जरूर किसी ने धक्का दिया है बिल्डिंग के ऊपर से। यस सर। अगर वो आत्महत्या करना चाहता था तो उसने फोन क्यों किया? शायद ये आखिरी बार बात करना चाहता होगा अपने दोस्त से। वेरी सर, अगर उसे आखिरी बार बात करनी होती तो बात करने के बाद कूदता ना। आत्महत्या नहीं की रवि ने, किसी ने उसे धक्का ही दिया है सर। देखो बॉस, हत्या है आत्महत्या जो भी है, ये आप लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ किडनी के बारे में बता सकता हूँ। क्या किडनी के बारे में? क्या हुआ रवि की किडनी को? सर रवि की बॉडी में एक ही किडनी है, ये देखिए रिपोर्ट। क्या ये रवि एक ही किडनी के साथ पैदा हुआ है क्या? नहीं, ऑपरेशन करके निकाली गई है एक किडनी इसकी बॉडी में से, या फिर इसने अपनी एक किडनी किसी को दान दे दी। ये देखो, ये मार्क देख रहे हो? सर ये ज्यादा पुराना नहीं लगता है? आताशा, ये ऑपरेशन मार्क ज्यादा से ज्यादा एक महीने पुराना है। एक महीने पुराना? तुम्हारे कहने का मतलब है सारंगे कि रवि के किडनी का ऑपरेशन एक महीने पहले हुआ है? बिल्कुल। मगर रवि के घर वालों ने इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं। अभिजीत एक काम करो, रवि के घर वालों को बुलाओ ब्यूरो में, पता तो चले चक्कर क्या है। किडनी का ऑपरेशन? ये आप क्या कह रहे हैं? रवि का कभी कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से मालूम है रवि का किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ था? वो मेरे पति थे, अगर मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? आप जरा ये फोटो देखिए, ये रवि की फोटो में ये जो निशान दिख रहा है ये किडनी के ऑपरेशन का निशान है। ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि रवि का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अगर ऐसा कुछ भी होता
तो मुझे जरूर बता दे मुझसे क्यों छुपा दे वो। ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो और तुम्हें पता ही नहीं। पापा एक्सीडेंट के बाद गए थे हॉस्पिटल में, पर वो किडनी के ऑपरेशन के लिए नहीं था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? हॉस्पिटल से फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तब हम उन्हें वहां लेने गए थे। हो सकता है एक्सीडेंट के बहाने वो हॉस्पिटल चले गए हो, उन्हें शायद कोई किडनी की बीमारी हो जो आप लोगों से बताना नहीं चाहते थे। नहीं सर, एक्सीडेंट के दो दिन पहले ही हम लोगों ने उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया था, सब कुछ एकदम ठीक था, उन्हें कोई किडनी की बीमारी नहीं थी। अच्छा, उन्हें हॉस्पिटल लेके कौन गया था एक्सीडेंट के बाद? कोई भला आदमी था, वही उन्हें हॉस्पिटल से छोड़ गया था। तो फिर हॉस्पिटल वाले जानते होंगे वो आदमी कौन है? नहीं सर, उन्हें नहीं मालूम था। वो कह रहे थे कि कोई आदमी था जो उन्हें छोड़ कर गया था, पर नाम और पता नहीं लिखवाया। अजीब बात है, हॉस्पिटल वालों से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से रवि नाम के पेशेंट के रिकॉर्ड्स चेक करने हैं। रवि किस वार्ड में है सर? है नहीं, थे 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। एक मिनट मैम, 22 अक्टूबर तो क्या, पूरे अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। कैसे हो सकता है, रिकॉर्ड्स गलत है आपके। अरे हमने खुद डिस्चार्ज पेपर साइन किए हैं, पैसा जमा किया है यहाँ पे, और आप कह रही हैं कि इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। रिकॉर्ड्स कभी भी गलत नहीं हो सकते, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर। नहीं सर, जिसमें वाकई कोई रवि नाम का पेशेंट नहीं है। मैंने कहा था ना सर, अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया है। झूठ बोल रही हो तुम लोगों ने जरूर लिस्ट बदल दी है सर, इन लोगों ने पापा का नाम लिस्ट में से हटा दिया है सर। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आप चाहें तो वो फाइल भी चेक कर सकते हैं जिसमें से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड की है। जरा वो फाइल दिखाइए। नाम नहीं है रवि का। अब तो यकीन आ गया ना आप लोगों को, इस फाइल से भी नाम हटा दिया उनका। ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये बकवास कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता डॉक्टर। इनका घुटने का ऑपरेशन था और घुटने के ऑपरेशन में किसी की जान नहीं जा सकती। क्या हुआ यहाँ? इन लोगों ने ऑपरेशन के बहाने कुछ गड़बड़ की है, ऐसे मेरे पति की बात नहीं हो सकती। हमें किसी पेशेंट की जान लेने का कोई शौक नहीं, और आपने हमें खुद नहीं बताया कि आपके पति की बॉडी पर एनेस्थेसिया असर नहीं करता है, और ऊपर से हमें ही दोष दे दिया। झूठ मत बोलिए डॉक्टर, भैया की बॉडी पर एनेस्थेसिया असर नहीं करता था, वैसे भी उनका ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं था। क्या चक्कर है अच्छा आप लोग, क्या आप लोग भी इसके रिश्तेदार हैं? इस देश का हर वो नागरिक जिस पर अत्याचार होता है उसके रिश्तेदार होते हैं सीआईडी वाले, समझे? सर, ये रिपोर्ट कुछ बनी बनाई लग रही है, ऐसा लगता है ये लोग अपनी किसी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि के रिकॉर्ड्स भी तो नहीं है इनके रजिस्टर में। दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इधर, कुछ तो गड़बड़ है। रवि की रिपोर्ट तो किसी भी हाल में मिलनी चाहिए सर, चाहे उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। ये सारी फाइल्स मैं इस रैक से चेक करती हूं। याद है ना फाइल नंबर C134 ढूंढनी है? याद है।
C-132, C-133, C-135, C-136. फाइल नंबर C-134 गायब है। आशा, हाँ? ये देखो, फाइल नंबर C-134 गायब है। विवेक, रवि के हाथ में भी C-134 नंबर ही दिखा था। इसका मतलब है रवि के खून का राज यहीं कहीं छुपा है। ढूंढते हैं। हाँ, तब तक मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। ये उसी आदमी के रिकॉर्ड्स हैं जो मर गया था घुटने के ऑपरेशन के बाद। ये फाइल भी चली हुई है। पर ये सब किया किसने होगा? जा जा, वो चला गया। शीला और योगेन, आप दोनों पिछले महीने हॉस्पिटल में थे, है ना? हाँ सर। शीला जी, आप बेड नंबर C-133, मेरा मतलब है 133 पर थी, है ना? जी हाँ सर, मैं ही थी बेड नंबर C-133 पर। और योगेन जी, आप बेड नंबर? मैं सर C-135 था सर। योगेन जी, आप C-135 पर थे और शीला जी C-133 पर थी। तो फिर आप दोनों के बीच वाले बेड पर, मेरा मतलब है बेड नंबर C-134 पर कौन था, आपको तो पता होगा, है ना? क्या बात है सर? कुछ नहीं, आप, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पता करना है कि उस बेड पे था कौन। C-134 पर मनोज था सर, बहुत अच्छा आदमी है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया था सर। मनोज, अपेंडिक्स का ऑपरेशन? जी हाँ सर, वो पूरा एक हफ्ता हमारे साथ ही था। एक हफ्ता सर? हाँ। अगर ये मनोज वहाँ हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने आया था तो किसी ने उसकी फाइल जला क्यों दी? और वो आदमी जो अपनी घुटनी का ऑपरेशन करवाने आया था, उसकी भी तो फाइल जलाई गई। और हॉस्पिटल वालों ने माला और सुरभि को भी पहचाने से इनकार कर दिया। और वो लोग ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि ये रवि वहाँ हॉस्पिटल में आया था। मुझे तो लगता है इस हॉस्पिटल में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। विवेक, वो जो फोटोग्राफ तुमने खींचे थे जले हुए फाइल्स के, वो प्रोसेस के लिए दिए? हाँ सर। गुड, हमें इस मनोज से मिलना चाहिए, वो जरूर हमें इसके बारे में कुछ बता सकेगा। मनोज, 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 मनोज। ओ, तो यहां सोया पड़ा है मुन्ना। ये क्या है? खून? चाकू मारा किसी ने? फ्रेडी, ताशा, चेक करो, देखो आसपास चाकू है क्या जिससे खून हुआ है। रवि के बाद अब मनोज का भी खून। चक्कर क्या है? रवि के हाथ पे लिखा था C-134, उसका खून हो गया। C-134 बेड पे ये था, अब इसका खून हो गया। देखिए कहीं इसका भी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। हाँ बस, ऑपरेशन हुआ। इसका मतलब शीला और योगेन सही कह रहे थे, ऑपरेशन हुआ है इसका। सर, रवि और मनोज दोनों का ही खून हुआ है सर, जरूर आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इनका। सर, घर में कोई भी हथियार नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हथियार नहीं मिला तो क्या हुआ, लाश तो है। स-
सारुंखे साहब इसी से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। सारुंखे, ये शीला और योगेन कह रहे थे कि इस मनोज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, कुछ बता सकते हो? अभी पता लगता है। डॉक्टर तारिका। यस सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तारिका, स्टिचेस लगा। यस। बड़ी प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है इस आदमी का अपेंडिक्स का। क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ इसका? नहीं। तो फिर शीला और योगी ने हमें ऐसा क्यों कहा? ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताऊंगा, वो छोड़ जाएंगे आप लोग। क्या? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात? अरे तो जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, ये सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस मनोज की भी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। हाँ सर, मनोज को किडनी दी है किसी ने, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इसकी बॉडी में। आइए दिखाता हूँ। देखिए जी, ये ऑपरेशन मार्क देख रहे हैं आप? अपेंडिक्स के ऑपरेशन में ये मार्क इतना लंबा नहीं होता है और उसका घाव भी ऐसा घुमावदार है। यो, जब तुम लोगों ने इसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की बात की तो मेरे दिमाग की घंटियां बज गई और मैंने इसका पेट काट करके देखा। बहरहाल ये मास्क हटा लीजिए आप। यहाँ पे क्या गड़बड़ है सर? ये अगर इस मनोज को किडनी दी गई है तो इसने शीला और योगेन से झूठ क्यों बोला कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया? हाँ सालुंखे, ये जो घाव है, ये मनोज का घाव और रवि का घाव दोनों एक ही। हाँ बस, इन दोनों का ऑपरेशन एक महीने के अंदर अंदर ही होगा। दोनों का ऑपरेशन एक महीने के अंदर ही हुआ है। अभिजीत, कुछ समझ में आया? यस सर। इसका मतलब रवि की किडनी मनोज को दी गई है। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रवि ने अपने आप खुद इस मनोज को अपनी किडनी दी या फिर बिना उसकी जानकारी के किसी ने उसके शरीर में से किडनी निकाल ली। सर शायद ये बात रवि जानता था पर वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहता था। वाइफ को टेंशन देने से क्या फायदा? हाँ मगर मनोज को मारा किसने? कोई तो होगा, कोई तो होगा जो नहीं चाहता था कि हम मनोज से बात करें। इसीलिए सर उसने मनोज का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभिजीत, एक काम करो, इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो। वो किससे मिलता था, किससे बात करता था, कौन उसे फोन करते थे, सब कुछ। सब सर, ये मनोज यहाँ किराए के मकान में रहता था। उसका ये दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे और फैमिली वगैरह सब इंदौर में है। इंदौर में? तो क्या तुमने इंदौर में फोन किया था, उसके फैमिली से या दोस्तों से बात की? हाँ सर, सबसे बात की मैंने, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि उसके किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसका किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सर कुछ मिला विवेक? हाँ सर, ये वाला नंबर देखिए सर। मनोज महीने में कम से कम 10 बार इस नंबर पर फोन करता था और मरने के पहले उसने इसी नंबर पर फोन किया था। और ये नंबर किसका? सर, मोबाइल कंपनी से पता चला है कि ये नंबर किसी रुचिका नाम की लड़की का है जो प्रॉपर्टी डीलर है, फ्लैट सिलवाती है। रुचिका? प्रॉपर्टी डीलर? अच्छा, इस रुचिका से मिलना चाहिए। कहिए क्या
किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कोई फ्लैट वैट नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैंने तो किसी का खून नहीं किया और ना ही मैं किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए, इसे पहचानती हैं? ये तो मनोज है, इसे फ्लैट दिलवाया था मैंने। क्या हुआ इसे? खून हुआ है इसका। जी हाँ, खून। कब, कैसे? अब ये तो आप बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए, मनोज ने आखिरी फोन आपको किया था। हाँ, उसने मुझे फोन किया था, उसे फ्लैट चाहिए था, बस। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कुछ छुपा तो नहीं रही हैं आप हमसे? देखिए, मनोज को फ्लैट चाहिए था और मैं उसकी एजेंट थी, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, जब मनोज ने आपको फोन किया था तब क्या आपको ऐसे लगा कि मनोज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, घबराया हुआ सा ऐसे लगा? घबराया हुआ नहीं तो। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, मनोज की निजी जिंदगी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या फिर किराए पे लिए। बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी लोगों ने फ्लैट्स लिए इस रुचिका से। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की बहुत कम उम्र में काफी आगे निकल गई? हाँ वाकई। वो फोटोज तैयार है सर। सर, कुछ फाइलें तो जल गई थी, फिर भी हमने उनके फोटोग्राफ्स ले लिए थे। ये देखो, देखो ये दोनों लिस्ट, रुचिका से फ्लैट खरीदने वालों की लिस्ट में से कई नाम इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए लोगों के भी है। मतलब जिन लोगों ने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या किराए के लिए हैं, कभी न कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। रुचिका से मकान खरीदो और हॉस्पिटल में जाओ, मतलब ये लड़की भी मिली हुई, ये भी लोगों को हॉस्पिटल भेज रही है। सर, इस हॉस्पिटल में रेड करते हैं, सारी धांधलेबाजी बाहर आ जाएगी। नहीं अभी, हमें और भी सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। रेड मारेंगे तभी तो सबूत मिलेंगे ना सर। और एक काम अभी। अच्छा, अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। मेडिकल चेकअप? मैं क्यों सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिकल चेकअप करो और उसके बाद तुम शादी करोगे। शादी? अभी ये शादी कहाँ से बीच में आ गई सर? शादी करोगे और वो भी तारिका से। सर, तारिका से? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं थोड़ा बहुत मजाक करता था तारिका से। मजाक? अब मतलब मजाक मतलब। अभिजीत, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सर, आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। तुम शादी करोगे और वो भी तारिका से। That's an order. Okay, सर, अगर आप जोर दे रहे हैं तो फिर ओके। क्या हम अंदर आ सकते हैं मैडम जी? कम इन प्लीज, कम इन। आजा आजा प्रीति जी, आजा आजा। हेलो। हेलो जी। हेलो, नमस्ते। बैठिए ना प्लीज। बैठिए बैठिए। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अरे, इसमें सेवा की क्या बात है। एक्चुअली मेरा नाम मीत है और ये मेरी सुंदर सी वाइफ प्रीत है। हमने सुना है मैडम जी, आप लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह दिलवाती है। हाँ हाँ, तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या भाड़े पे चाहिए? अजी, अब क्या गरीब आदमी का मजाक उड़ाती हैं आप। फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? गाँव से सारी जमीन बेच के आया हूँ पैसे लेके, आप बस भाड़े पे ही दिलवा दीजिए, बहुत है हमारे लिए। किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? बस जी, प्रीत जैसा सुंदर समंदर दिख जाए अगर बालकनी से तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, एक कमरे का चाहिए या दो कमरों का चलेगा? वैसे क्या है कि रहते हम लोग एक ही कमरे में रहेंगे। आप तीन कमरों का दिलवा दीजिए जी, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, आते रहते हैं ना यहाँ पे। ओह आई सी, आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। वैसे काम क्या करते हैं आप? अजी, करने क्या क्या मैडम, कोई करने दे तो बहुत कुछ कर दे आप जी। वैसे तो बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है, पर अब बैंक में काम करते हैं जी। अभी तक चांस नहीं दिया किसी ने जी, नहीं तो एक्टर भी बन सकते थे आप, कुछ बात तो है आप में। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।
ये लीजिए हमारे आईडी प्रूफ्स। गुड मिस्टर मीत, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए होंगे, आप आज शाम को ले आइए। मेडिकल रिपोर्ट? मैडम जी आप डॉक्टर भी हैं क्या? नहीं नहीं, ये हमारा नया नियम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नियम है, नियम का तो पालन करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर मैं मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आऊंगा, ये लीजिए। शाम को मिलते हैं फिर। शाम को? हाँ क्यों नहीं, मिलते हैं मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ कहिए। मेरा नाम जीतू है, ये मेरा भाई नंदू, इसका चेकअप कराना था। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है मैडम। तो ऐसा करिए, आज आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर कल आइएगा। कल नहीं मैडम, बहुत देर हो जाएगी। इसे किडनी के किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा मैडम, प्लीज। मैं रूल्स तो नहीं तोड़ सकती ना मैडम। मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए मैडम। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप, उठिए प्लीज। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे भाई को किसी डॉक्टर से नहीं मिला लेता। ठीक है मैं मिलवा दूंगी, आप उठिए प्लीज। धन्यवाद मैडम आपका, आपके बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे। देखिए, ना तो मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरी शादी हुई है, आप बताइए आपको किस डॉक्टर से मिलना है? मेरे भाई को किडनी की तकलीफ है, तो किडनी के डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, आप डॉक्टर टीके से मिल लीजिए फिर। डॉक्टर टीके कहाँ मिलेंगे महापुरुष? डॉक्टर टीके वो रहे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये मेरा भाई नंदू। हाँ, मुझे इसके लिए आपकी किडनी की जरूरत है, मना मत कीजिए प्लीज। मेरी किडनी की जरूरत? व्हाट नॉनसेंस, अरे यहाँ इस गोवर को किसने घुसने दिया? गलती हो गई, किसी की भी किडनी चली गई। अब मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, आप जो पैसा बोलेंगे मैं दूंगा, मैं ला के दूंगा। लिसन मिस्टर, हमारे हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी नहीं चलती, समझे आप? और कहीं लेकर और जाइए आप। कोई समझाए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब सुनिए। पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको, प्लीज डॉक्टर साहब। मैं तो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चलो जाओ। मेरा भाई डॉक्टर साहब, दाल भी गलेगी, अब तड़का भी लगेगा, तो बस देखता जा। जाओ, मैं परेशान मत करो, कुछ नहीं सुना नहीं आपको। अरे सर, मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मैं आपका अकाउंट करवा सकता हूँ। यहाँ बात करने में खतरा है, आप मेरे साथ यहाँ आ जाओ। बोलो, कितनी चाहिए ना आपको अपने भाई के लिए? तू देगा? पगले क्या? पर मैं दिलवा जरूर सकता हूँ किसी और की। अच्छा, खर्चा कितना होगा? कितनी तो बहुत है, बोला है फिर भी हम 25 लाख में काम चला लेंगे। 25? सस्ता सौदा है, सालों साल लग जाते लोगों को, करोड़ों रुपये देने पर भी नंबर नहीं लगता है। सोच क्या रहे हो? ठीक है, मगर मैं पैसे ऑपरेशन के बाद दूंगा। ठीक है, जैसे किडनी का इंतजाम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका नंबर नंबर जल्दी करो। नंबर देखा था आपका, मेरे बंधु। थैंक यू।
बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी। कोई बात नहीं सर, इसमें ही मुझे गरीब कहीं स्वार चुका है। हाँ, शायद जब इन लोगों की धांधलीबाजी बंद हो जाएगी तब हम गरीबों को भी इतनी आसानी से किडनी मिल जाया करेगी जैसे इन अमीरों को मिलती है। ये रहा आप लोगों का आशियाना, देख लीजिए, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, ठीक वैसा ही है ना जैसे आप लोगों को चाहिए था। हाँ, मतलब यू नो फ्लैट थोड़ा ये वाओ, बहुत अच्छा फ्लैट है, ब्यूटीफुल, सुपर्ब, या बहुत ही अच्छा है, यू नो मैं भी यही कह रहा था रुचिका जी कि बहुत ही अच्छा फ्लैट है, इन्हें तो पसंद आ गया है। मैंने फ्लैट खास क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है और मेरे हिसाब से मीत उस दीवार पर हम अपनी शादी की फोटो लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, और वो वाला जो कमरा है ना वहाँ, वो हमारे बच्चों का कमरा होगा, है ना? मैं जरा ऊपर दूसरा कमरा देखकर आती हूँ। हाँ हाँ, या रुचिका जी, ऐसा है हमारी जो प्रीत जी जो है ना, इनको वो फ्लैट बिल्कुल पसंद आ गया है। अब आप ये बताइए कि हम लोग कब आ जाएं यहाँ पे रहने के लिए, यू नो कल से ही रह सकते हैं। कल से? जैसे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तो लाए हैं ना? मैं ये देखिए, ये इन मामलों में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं है। ये सारी हिस्ट्री है, मतलब मेडिकल की हिस्ट्री है, सब है इसमें। गुड, वो क्या है ना कि आजकल तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। ये तो है। तो इसलिए मैं अपने सब क्लाइंट से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पहले ही मंगवा लेती हूं। नहीं, वो चलेगा, वो तो है ही है। तो इस खुशी में मुंह मीठा किया जाए, मुझे पहले पता था ये डील होने वाला है, इसलिए मैं ये खास बर्फी आपके लिए लेके आई। मैं थोड़ा खा लेता हूँ, उनको मत दीजिएगा, यू नो यू हैव टू मेंटेन द फिगर। रोज रोज कौन फ्लैट खरीदता है। ये तो है, वाओ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। क्या हो गया, क्या हो गया आपको? ये आप ठीक तो हैं? देखिए, आप इधर बैठ जाइए। मीत, क्या हो गया तुम्हें? मीत, तुम ठीक तो हो? ये अचानक इन्हें कोई बीमारी है क्या? ये ऐसे खड़े-खड़े कैसे गिर गए? एक्चुअली इन्हें कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी-अभी तो ठीक थे। अचानक कैसे क्या हो गया? चलिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। आप बिल्कुल मत कर पाइए, मैं सब डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया है, डॉक्टर प्लीज। देखिए, हालत बहुत सीरियस है, इन्हें इमीडिएट भर्ती करना होगा। क्या? आप तो यहीं रुके, मुझे इनका ठीक से एग्जामिनेशन करना होगा। ओके, फर्स्ट डॉक्टर साहब प्लीज देख लेना। कब? भी तुम रिकवर कर लो, तुम ठीक हो जाओगे भी। घबराओ मत प्रीत, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, वो संभाल लेंगे। हाँ, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। डॉक्टर प्रकाश, यू वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। पी लो, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, और स्ट्रेस मत करो। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। सर, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं सही में अभिजीत को कुछ होना जाए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ ये रुचिका क्या गड़बड़ करती है। सर,
सब मिलाना चाहिए, समझे? मिल जाएगा। हाँ बॉस, 25 लाख रेडी है ना? किडनी का इंतजाम हो गया है, ऑपरेशन कल करने वाले, आप आ जाइए। बाबूजी आप? मीत कहाँ है, कैसा है? अंदर, देखिए ना, अब तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब कहाँ? ये रहा ना। अरे डॉक्टर साहब जी, मीत कैसा है? मैं उसका पिता हूँ। एक्चुअली उसकी हालत बहुत सीरियस है। क्या? इन्फेक्शन पूरे खून में फैल चुका है। अरे तो फिर अब क्या होगा? आप घबराइए मत, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए। जी सिस्टर, सिस्टर सर को फॉर्मेलिटी, जल्दी रहिए, कम फास्ट। मीत, मीत, प्लीज मीत, कैसे हो बेटा? आइए सर, रिसेप्शन पे कुछ फॉर्म भर। आप आगे चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम लोग अंदर ले जाओ, मैं भी आया। सर अच्छा हुआ आप आ गए। आपके काम की तैयारी चल रही है? अच्छा, मेरे सामान का इंतजाम हो गया? बस हो ही गया समझिए, ऐसे लाए ना। मैं नंदू जी को प्रश्न के लिए तैयार करता हूँ, आप यहीं ठहरिए। ठीक है, संभाल ना, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तो संभाल के आप प्लीज। देखा सर, दोनों को एक ही कमरे में लेके गए, कुछ गड़बड़ है सर, समझ रहा नहीं जा रहा। मैं अंदर जाके एक एक की खबर लेता हूँ। दया ते उतावले मत हो जाओ, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, बैठो जरा शांति से। काफी देर हो चुकी है सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सर, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाता है, चल कर देखते हैं। हाँ सर। तारिका यहीं पे बैठो, हम अभी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई भी नहीं है? कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कहीं से तो गए होंगे, जा उधर देखो। नहीं सर। तो फिर कैसे गए होंगे? सर हम लोग तो भारी खड़े थे। यहाँ से भागने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है। अगर कुछ हो गया ना, इस हॉस्पिटल की बैंड बजा दूंगा मैं। ठीक रास्ता है, इतना वक्त लगेगा राजू मुझे नई किडनी मिलने में। अरे साहब थोड़ा सब्र करो ना। जिसकी किडनी आपको मिलने वाली है ना, उसका ऑपरेशन हो रहा है अंदर में। अंदर? अंदर कहाँ? ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना। ऑपरेशन थिएटर ही है, सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर खोपचे में, क्या समझे? अरे साहब बिना परमिशन के अंदर क्या कर रहे हो? चलो चलो बाहर चलो। कहाँ चलो? अंदर। अभिजीत का? कौन अभिजीत? वही जिसका ऑपरेशन हो रहा है किडनी का, कहाँ है वो? मीत सर ये कह रहा था यहाँ पर कोई सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर है, अभिजीत को ये लोग भी लेकर गए। सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर कहाँ है, जल्दी बता। मुझे नहीं पता। जल्दी बता नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कैसे निकालेंगे? हाँ सर, तैयारी पूरी हो चुकी। विवेक, अभिजीत का कुछ पता चला? नहीं सर, पता नहीं कहाँ लेके गए ये लोगों ने सर। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो।
बचेगा। रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तुम कहीं नहीं जा सकते, सीआईडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इतना बड़ा धोखा, बताओ मीत को कहाँ रखा है? बताओ। उसका तो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, सब रेडी है? यस सर। कम ऑन, लेट्स डू फास्ट। सर, ये क्या कर रहे हो तुम? सर, ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, ये इल्लीगल है। दिमाग क्यों खराब हो गया? अरे आप लोग, ये सब क्या हो रहा है? अभिजीत की किडनी काटने की तैयारी हो रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं। सही टाइम पे बच गया, नहीं तो किडनी निकाल देता यार। क्या जीत, जरा इसका घूंघट तो उतारो, देखे तो सही इस किडनी रैकेट के पीछे है कौन। यूर नीच काम कर रहे थे तुम। अपने दोस्त का फोन कर दिया तुमने, पैसों के लिए होगी। मैं क्या करता, वो पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। मयूर, मयूर मैं तुम्हारा राज जान गया हूं। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सीआईडी के सामने बताऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मयूर, तू बचेगा। धक्का किसने दिया था उसे? मैंने कुछ नहीं किया। रवि को छत से धक्का तुमने ही दिया था ना? मयूर के कहने पर दिया था। मयूर के कहने पे? मयूर तुम्हें बिल्डिंग के छत से कूदने के लिए कहेगा, तुम कूद जाओगी? मैं तो प्यार करती थी इससे, शायद वो भी कर देती। वाह रे वाह, प्यार, वाह। अब जेल में तुम्हें कोई टू बेडरूम हॉल किचन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक काल कोठरी, समझी? सड़ते रहना वहां पर, डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहना, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। हाँ विजय भाई, हाँ मुझे आपकी फाइल मिली, आपकी मेल भी मिली जी। आपकी कोटेशन तो बहुत ही अच्छी है, मेरी पार्टनर को भी पसंद है। किशनगढ़ की फैक्ट्री का काम तो आपकी कंपनी को ही मिलेगा। जी हाँ ठीक है, मैं कल आपको सुबह फोन करके बता देता हूँ। ओके, हाँ भाई। अरे ये अखबार गाड़ी के अंदर? गाड़ी तो बंद थी, अखबार अंदर आया कैसे? अनन्या और उसकी बेटी स्वीटी की बेरहमी से हत्या। अनन्या, स्वीटी, नहीं, ये कैसे? दोनों की मौत रात 8 बजे हुई। 8 तो बज चुके। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 5 दिसंबर, लेकिन आज तो 4 दिसंबर है। कल का पेपर आज कैसे हो गया? किसने किया ये घटिया मजाक? प्लीज फोन उठाओ अनन्या। अनन्या गॉड, अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही? ये क्या, कहीं ये सच तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसने भी ये घटिया मजाक किया है, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या? ये
डॉक्टर हितेन, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे को स्वीट पानी, मुझे पानी नहीं चाहिए। काम डाउन हितेन जी, एवरीथिंग विल फाइन। हितेन, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों बेहोश हो गए थे तुम? अनन्या, मेरी बेबी, मेरी बच्ची, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों जिंदा हो? जिंदा हो से क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसी महकी-महकी बातें कर रहे हो? क्या हो गया? नहीं, अनन्या नहीं, मैंने तुम दोनों की मैंने क्या बोलो ना? मैंने तुम दोनों की लाशें देखी थी, लाशें अपने घर में। क्या? और हम तो जिंदा हैं पापा। हाँ बेटा, तुम ठीक हो? तुम हितेन, ये तुम बच्ची के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? रानी, मैंने देखी थी वो तुम दोनों की लाशें, और तुम दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरह जख्मी। हितेन, तुमने दोबारा से शराब पीनी शुरू कर दी है ना? प्लीज बिलीव मी, तुम्हें पता है मैं शराब छोड़ चुका हूँ। जरूर आपका वहम होगा पापा। नहीं बेटा नहीं, वो कोई वहम नहीं था। वो पता नहीं कहाँ से मेरी कार में वो एक न्यूज़पेपर आ गया था, और उसमें तुम दोनों की फोटो थी, और उसमें लिखा था कि तुम दोनों मर गए हो। अखबार में हम दोनों की फोटोज? कहाँ है वो अखबार? दिखाओ ना। वो पता नहीं कहाँ, वही क्या होगा, वो कार पार्किंग में लाशें, तुम दोनों का चेहरा। हितेन, देखो हम दोनों तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक? हाँ। लेकिन अनन्या, वो लाशें, कोई लाशें नहीं थी, सब ठीक है, कोई लाशें नहीं थी। नहीं अनन्या, वो लाशें थी, मैंने खुद वो लाशें देखी है। हमें CID को बताना चाहिए। देखो, तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो ना। नहीं अनन्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें CID जाना चाहिए। डॉक्टर प्लीज देखिए क्या हो रहा है इनको। हितेन, आप इस वक्त रिलैक्स हो जाइए, आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं पागल हो गया? अरे मैंने खुद अपनी इन आंखों से वो लाशें देखी है। नर्स, आप इन्हें जल्द से जल्द नींद का इंजेक्शन दीजिए। डॉक्टर प्लीज, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे। तुम्हें वो केस 412A याद है? अरे यार दया, मैं बहुत बिजी हूँ यार, 15-20 मिनट बाद आना यार प्लीज। अच्छा, वो हमारे फोरेंसिक लैब में उस डॉक्टर का नाम क्या है यार? हाँ, डॉक्टर तारिका। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है यार। क्या? तारिका के लिए लड़का? हाँ, डॉक्टर तारिका ने तुमसे खुद बोला है लड़का देखने के लिए? अरे उम्र भी तो हो गई शादी की। अभिजीत, वो जो नकली नोटों का केस था, उसमें हमने उस स्मगलर लड़के को पकड़ा था। सर स्मगलर लड़का? सर स्मगलरों ने डॉक्टर तारिका को पकड़ लिया सर। क्या? सर वो लड़का पकड़ा डॉक्टर तारिका ने। अरे अभिजीत तुम क्या बोल रहे हो, ये डॉक्टर तारिका इस केस में कहां से आ गए? सर ये दया ने बोला सर। क्या बोला दया ने? हाँ सालुंखे, हाँ बोलो। क्या क्या डॉक्टर तारिका? अरे हो क्या गया सबको, सब जगह जा भी देखो डॉक्टर तारिका। प्रसारण का एक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं बाद में बात करूँ। डैम इट, तारिका तारिका तारिका, हो क्या गया सबको, किसका मुंह देखा था मैंने आज? क्या हो गया तुम्हें है? ऐसा मुंह बना के क्यों देख रहे हो? क्या हुआ कि तुम्हें भी डॉक्टर तारिका ने कुछ बोल दिया? तारिका? हाँ तारिका। नहीं सर। तो फिर सर लाशें
किसकी लाश? पता नहीं सर, अखबार में लिखा था कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी का खून हो गया, और जब मैंने घर जाके देखा तो दो लाशें। वाइफ और बेटी का खून? सर, मैं इनकी वाइफ और ये हमारी बेटी है। पर ये तो कह रहे हैं कि आप दोनों का खून हो गया। सर, मुझे नहीं पता ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ। किसकी लाशें हैं? मैंने तो सोचा था इन दोनों की है, वो मैं दो लाशें देखकर बेहोश हो गया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने खबर किसी अखबार में पढ़ी थी। हाँ सर, मेरी पत्नी और बेटी की मौत की खबर थी। वो अखबार है आपके पास? वो मुझे मेरी कार में पड़ा हुआ मिला था। सर, घर में कोई लाशें थी ही नहीं। थी सर, थी। एक नहीं दो लाशें थी, वो एक औरत की और एक छोटी बच्ची की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर। अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? इतना भद्दा मजाक। ठीक है, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से पता करते हैं कि कोई औरत और बच्ची गायब हुई है क्या। ओह गॉड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? क्या ये सब है? मैं क्या वाकई मेरे दिमाग को कुछ हो गया? नहीं, पेपर पढ़ लेता हूँ। भी हो गए। अरे कल की तारीख, कल का अखबार, यहाँ कल का अखबार आज कैसे आ गया? ओ गॉड, ओ गॉड, नहीं नहीं नहीं। अरनिया, जल्दी आ, आते ही थे। अरनिया जल्दी आ, क्या हुआ, क्या हुआ? हर वक्त था वो बच्चे। एक मिनट, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम्हें क्यों ये अटैक्स आ रहे हैं? बात क्या बात, वैसा ही अखबार आया, वैसा ही। देखो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम दिन में जागते हुए भी सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं अनन्या, मुझे जाना होगा, प्रिया को बचाने मुझे जाना। पाशा, देखो जरा। ये क्या किया तुमने? चाकू मार दिया प्रिया को? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। सर, शी इज डेड। क्यों मारा तुमने प्रिया को? क्यों मारा? मैं तो इसे बचाने आया था, मैंने नहीं मारा इसे। तो फिर किसने मारा? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? चाकू कहाँ पे था? ये चाकू इसके पेट में था। क्या, ये चाकू तुमने इसके पेट में से बाहर निकाला? इसे बचाने के लिए। दया, इसने चाकू निकाला नहीं, पेट में घुसाया इसने, और खून करने के बाद चाकू फेंक दिया इधर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो इसे देख कर घबरा गया था। ये जमीन पे पड़ी हुई थी और चाकू इसके पेट में था। अच्छा, जरा मुश्किल है तुम्हारी बात पर विश्वास करना। नहीं, मैं तो भागा आया था यहाँ पर इसे बचाने के लिए। भागा? क्यों? तुम्हें पहले से मालूम था कि ये मरने वाली है? अखबार से पता चला। हाँ, ये सब अखबार का नाटक है। नहीं सर, कोई नाटक नहीं है। चुप। सर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने चुप। नाटक बंद कर, ये अखबार का नाटक बंद कर। प्रिया को मारने के लिए सब नाटक कर रहे हो तुम। ले चलो इसे। नहीं, सर, एक मिनट, मैं क्यों नाटक करूंगा? ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर थी। ओ हो, सुना, इसकी बिजनेस पार्टनर है।
ये सारा बिजनेस का चक्कर है, पैसों के लिए खून किया इस रेस का। नहीं 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 सर, नहीं सर, आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो मेरे घर पे जाके देख लीजिए, वो अखबार वहीं पड़ा होगा जिसमें प्रिया के मरने के बारे में लिखा था। अच्छा, फ्रेडिक्स, विवेक, इसके घर जाओ और देखो वो अखबार है क्या। यस सर। और अगर तुम्हारे घर में वो अखबार नहीं मिला ना तो फिर देख दो। तो तुम कह रहे हो कि तुमने ये चाकू प्रिया को नहीं मारा? ये चाकू प्रिया के पेट में पहले से घुसा हुआ था और तुमने इसे बाहर निकाला प्रिया की जान बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो फिर जिसने भी चाकू मारा है प्रिया को उसकी उंगलियों के निशान होने चाहिए इस चाकू पर, है ना? हाँ सर, वो तो होने चाहिए। तारिका, इस चाकू को स्कैन करके देखो किसकी उंगलियों के निशान है इस चाकू पर। जी सर। अभी पता चले। आप लोगों ने ये फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए मेरी उंगलियों के निशान क्यों लिए? तुम्हारे नहीं तो फिर किसकी उंगलियों के निशान लेंगे? अरे उसके लेने चाहिए ना जिसने ये खून किया। निशान मिल गए। किसके? सर एक नहीं, पांच पांच निशान मिले इस चाकू पे सर। पांच? जी सर, और वो भी एक ही आदमी के। एक ही आदमी? हाँ, देखा मैंने कहा था ना वो जरूर उस स्कूली के होंगे। और पांचों उंगलियों के निशान सिर्फ हितेन के ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जरा ठीक से देखिए ना, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी तो होंगे जरूर। तुम तो फंस गए बुरी तरह से और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक से देखिए, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी होने चाहिए। होना तो चाहिए, और है भी। खून अगर तुमने किया तो उंगलियों के निशान भी तुम्हारे ही होंगे। नहीं, मैं प्रिया का खून क्यों करूंगा? लालच, पैसा, और प्रिया मर गई तो सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा, यही सोचा था ना तुमने? नहीं नहीं नहीं, प्रिया सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर ही नहीं मेरी दोस्त भी थी। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें, पैसों के लिए अपने दोस्त का खून करते हुए। सर, अब रिडिक्स, हमने हितेन का सारा घर छान मारा, कहीं भी अखबार नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अखबार तो वही था मेरे कॉफी टेबल पर, मेरे हॉल में। वहां पे भी देखा, टेबल पे दूसरे अखबार है, लेकिन वो वाला अखबार नहीं है जिसमें प्रिया की मौत की खबर छपी। अब तुम सच सच बताओगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करोगे? हेलो, इंस्पेक्टर दया, क्या दो लाशें? ठीक है, हम लोग आते हैं। मैंने ही फोन किया था आपको। आप कौन है? जी हम पड़ोसी हैं सर। चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। इसका भी यही हाल है, खून जम गया है और पूरी तरह से मारा है इसे भी। सर ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। लाश को देखा किसने पहले? मुझे तो बस दूर से आग जलती हुई नजर आई, फिर सोचा शायद गैस सिलेंडर फट गया है। यहाँ आकर जैसे तैसे आग बुझाई तो एक अजीब सी चीज देखने को मिली यहाँ इस फ्रिज में। कुछ रखा था फ्रिज में? हाँ, ये लाशें थी सर फ्रिज में। लाशें फ्रिज में? यस सर, फ्रिज को किसी ने टेप से बांध के रखा हुआ था। जब टेप हटाकर फ्रिज खोला तो उसके अंदर ये दो लाशें थी सर। लाशों को फिर से बाहर किसने निकाला? नहीं निकाला सर। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम हमारे आने का तो इंतजार करते। खैर, कौन है ये लोग जानते हैं? नहीं सर, ये फार्म हाउस तो हमेशा बंद ही रहता है, कोई आता जाता नहीं यहाँ पे तो। और इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? सर ये सब तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है। पता नहीं ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए। सर शायद कोई ये लाशें बाहर से लेकर आया हो और यहाँ पर छुपाकर चला गया।
उसने सोचा होगा कि आग के साथ साथ लाशें भी जल जाएंगी, पर ये लाश फ्रिज में होने के हिसाब से वैसा हुआ नहीं। पर उसने लाशों को फ्रिज में क्यों रखा? अच्छा, आप लोगों ने किसी को यहाँ फार्म हाउस के आसपास देखा? कोई बदमाश या ऐसा कोई आदमी जिस पर शक है आप लोगों को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा ध्यान तो आग लगने के बाद ही गया इस तरफ। सर, आप रेडी? ये अस्थमा पंप भी है सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ मेरे सर। अस्थमा पंप? ये हितेन अस्थमा का मरीज है ना? उसी ने तो नहीं ये सब? हाँ सर, ये सारा घोटाला हितेन का ही किया हुआ लग रहा है सर। अपने पागलपन की आड़ में ना जाने कितने लोगों को मारेगा ये। एक मिनट, देखो इस पे खून लगा हुआ है, शायद खून इसी रोड से किया गया है। अच्छा, इसे एविडेंस बैग में डाला। सर, हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि वो लाशें आखिर है किसकी। कुछ ऐसा भी तो नहीं मिला जिससे पता चले कि वो है कौन? कुछ ना कुछ तो मिलेगा विवेक। जी, आप क्या क्या करते हैं? ये मेरा फार्म हाउस है। आपका फार्म हाउस? लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अन्य जी, ऐसा लगता है कि आपके पति और मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्या हो गया है? आपके इस बंगले के अंदर दो दो लाशें पड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि दोनों खून आपके पति ने ही किए हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब वितेन को लगने लगा कि अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाला है, तो उसने वो न्यूज़पेपर वाली स्टोरी को सच करने के लिए दो दो खून कर दिए और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया। आपके पति की किस्मत मेरी मुट्ठी में कैद है। ये अस्थमा पंप है, यहीं पे मिला था। आपके पति हितेन यहाँ पे थे, ये उन्हीं का है ना? नहीं नहीं, देखिए ये किसी की कोई चाल है। मेरे पति को कोई फंसाना चाहता है ये। अब इस बात का फैसला तो डॉक्टर सालूंखे ही करेंगे। विवेक, वो रॉड जिससे खून हुआ है उसे फॉरेंसिक लैब लेके चलो। और हाँ, अगर इस रॉड पे हितेन की उंगलियों के निशान मिल जाए तो इस बात का कोई शक नहीं रहेगा हितेन यहाँ पे था या नहीं। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब इन लाशों के चेहरे दोबारा बनाने में? बॉस, चेहरे इतनी बुरी तरह से बिगड़ गए हैं कि मुझे पूरी रात लगेगी। हाँ, चेहरे की हड्डियां सही सलामत मिलनी चाहिए बस। और उस रॉड का क्या हुआ जिस पे खून लगा हुआ था? तारिका, चेक किया? जी सर, आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही था। खून इसी रॉड से किया गया। इस रॉड पे जो खून लगा हुआ है वो इसी औरत का है। रॉड पर निशान है उंगलियों के? चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, हितेन के ही उंगलियों के निशान होंगे। नहीं सर, इस रॉड पर हितेन के उंगलियों के निशान नहीं है। मतलब खूनी कोई और है? हाँ, लेकिन कौन हो सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकता है सर। इतने सुपारी दी होगी किसी को। हमारे रिकॉर्ड में जो उंगलियों के निशान है उनसे मैच करके देखा तारिका? हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। नहीं सर, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं। मतलब खूनी कोई और ही? हाँ, खूनी तो कोई और ही है दया। लेकिन तभी पता चल सकता है जब साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमें बता दे कि ये लाशें है किसकी। विवेक, आशा, जैसे डॉक्टर साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा बनाते उसी वक्त उनके फोटो निकाल कर सभी जगह भेज दो। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, सभी जगह। नहीं नहीं सर, ऐसे मत कहिए। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने किसी को नहीं मारा। ऐसे बहुत लोग देखे हमने, समझे? घर में दो दो लाशें पड़ी है, वो कहां से आई? वही वही मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि वो लाशें कहां से आ गई। सर सुना आपने, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे वो लाशें हमने डाली है वहां पे। नहीं नहीं,
कोई मुझे फंसाना चाहता है। कोई तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? और वो दो दो लाशें तुम्हारे ही घर में क्यों पहुंची? सर ये लकी है, बहुत लकी है। जो किसी के साथ नहीं हुआ वो इनके साथ हो गया। इन्हें आने वाले वक्त के अखबार दिखाई पड़ते हैं, होने वाले खून के बारे में इन्हें पहले से पता चल जाता। अगर ऐसे अखबार हमें दिखते तो हम खून होने से रोक नहीं देते? हमारा ऐसा भाग्य कहाँ विवेक? और ऐसे लोग जो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके खून करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है, वो अखबार कहाँ से छपवाए थे? अरे वो अखबार की पहली कटिंग तो मुझे गाड़ी के अंदर मिली थी। तो गाड़ी में कैसे आई? खून पे खून किए जा रहा, कहाँ है वो अखबार? बताओ बताओ बताओ। वो शायद हरबराहट में गाड़ी के पास में गिर गया होगा। कौन है ये मासूम चेहरा? क्यों बिगाड़ा इनका चेहरा तुमने? बताओ। सर ये तो वही लाश है जो मैंने अपने घर में देखी थी। अगर ये लाशें तुमने अपने घर में देखी थी तो फिर यही लाशें तुम्हारे मर्ड वाले फार्म हाउस में कैसे पहुंची? लाशें उड़ने लगी सर, उड़ने लगी। लाशें कैसे उड़ सकती हैं सर? तुम बता कैसे उड़ने लगी लाशें? मैं कैसे बताऊं सर? हेलो सीआईडी ब्यूरो, ऑफिसर विवेक। कौन? अच्छा श्रुति। नहीं कुछ नहीं, आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज। D347 कनाल अपार्टमेंट्स जूहू। ठीक है, हम लोग आते हैं वहाँ पर। या थैंक्स। क्या हुआ? सर डॉक्टर सालुंखे ने वो जो चेहरे बनाए थे कंप्यूटर पे इन लाशों के, उनके फोटो जो हमने टीवी पे दिखाए थे। क्या हुआ उनका? नितिन नाम के एक आदमी ने उस फोटो को पहचान लिया है सर। ये उसकी वाइफ थी श्रुति। सुना तुमने? लाशों का चेहरा बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई बच नहीं सकता हमसे, समझे? अब बताओ बताओ क्यों मारा श्रुति को तुमने? क्यों मारा? सर ये नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा पहली बार सुन रहे हो? अच्छा तो ठीक है, नितिन के घर चलते हैं, वही बताएगा हमें कौन मार सकता है श्रुति को। नितिन जी। जी कहिए, मैं ही हूँ नितिन। हम लोग सीआईडी से। आइए आइए आइए। आपने वो फोटो देखी है ना? जी हाँ, वो फोटो मेरी वाइफ की है, लेकिन वो कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मूर्ति की फोटो है वो, मगर मेरी वाइफ श्रुति कहाँ है? आई एम सॉरी नितिन जी, मगर आपकी पत्नी श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। हट। जी हाँ, उसी की लाश की मूर्ति का फोटो है वो जो आपने देखा। क्या 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 नहीं संभालिए अपने आप को। लेकिन कैसे? श्रुति का खून हुआ है। खून? मेरी श्रुति का खून? जी हाँ खून। अरे कौन करेगा श्रुति का खून? क्या आपको किसी पर शक है? हो सकता है श्रुति की किसी के साथ आपसी दुश्मनी हो? वो भी किसी को जानती तक नहीं थी, वो तो पहली बार आ रही थी गांव से। मैं स्टेशन गया भी था उसको लेने, लेकिन वो वहां पहुंची नहीं थी। मैंने अखबार में उसकी फोटो देखी तो आप लोगों को फोन किया था, लेकिन उसकी लाश आप लोगों को मिली कहां से? मटके एक फार्म हाउस। मटके? लेकिन वो वहां कैसे पहुंच गई? वो तो शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। वो श्रुति के साथ तो मेरी बेटी भी आ रही थी। वो कहां? आपकी बेटी भी थी साथ में? अब नितिन जी हमें एक लड़की की लाश भी मिली श्रुति की लाश के साथ। नहीं, ये क्या? लेकिन उन लड़को मारेगा कौन? वो तो आप ही बता सकते हैं नितिन जी। एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी का फोटो पहचाना कैसे? नहीं
मैं श्रुति की फोटो देखकर इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब आपकी पत्नी और बेटी घर वापस नहीं आए तो आपने आसपास पूछताछ नहीं की? रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, दो दिन बाद पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। ठीक है नितिन जी, हमें आपकी मदद चाहिए आपकी पत्नी श्रुति और बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। देखो इसे पहचानते हो? नहीं। कभी देखा? जी नहीं। इस औरत को तो देखा होगा? जी बिल्कुल नहीं। आप इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं। नितिन, शायद इसी आदमी ने श्रुति का खून किया है। मैं इस आदमी को पहचानता तक नहीं हूँ। देखिए आप लोग जबान संभाल के बात कीजिए, मेरे पति कभी किसी का खून नहीं कर सकते। कमाल है, आपके पति ने इतना हंगामा खड़ा करके रखा है और आप कह रही है कि जबान संभाल के बात करो। पहले इन्होंने हमें कहा कि आपका और आपके बेटी का खून हुआ है जबकि आप लोग जिंदा हैं। तो मैं क्या करता? मैंने तो अखबार में देखा था ना। और उसके बाद तुम्हें लाशें दिखाई, वो भी तुम्हारे घर पे, और फिर लाशें कहां हैं? और लाशें कहां मिली? तुम्हारे फार्म हाउस पे जो तुम्हारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, समझे? जिसकी लाश मिली थी श्रुति की, तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते तक नहीं है? मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। ए भगवान, इतना भोला भाला आदमी है, कहां फंसा दिया तूने इसे? इसने तो अपने बिजनेस पार्टनर प्रिया का खून किया, वो भी गलती, और फिर चाकू पर इसके निशान आ गए, वो भी गलती। नहीं, इसे तो माफ कर देना चाहिए बेचारे। देखिए सर, देखिए ये गलत है, ये सब गलत है। अच्छा, प्रिया की मौत की खबर तुम्हें कहां से? वो अखबार से। एक ऐसा अखबार जो सिर्फ तुम्हारे पास आता है, किसी और को दिखाई नहीं देता और फिर गायब हो जाता। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो चलो, मैं एक जोक तुम्हें भी सुना देता हूँ। आप लोग मेरे पति की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। अब जोक सुनने में क्या नुकसान है? जोक ये है, ये हम इसे तो पहचानते हो ना, ये तुम्हारा है ना? ये मेरा है। ये पंप हमें तुम्हारे फार्म हाउस से मिला है, लाश के पास में से, समझे तुम? कोई मुझे बुरी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखा, फंसा दिया बेचारे को। अरे भगवान, क्यों भेजा ऐसे आदमी को धरती पर जिसे हर कोई फंसाना चाहता है। सर, इसके फार्म हाउस के आसपास पड़ोसियों को फोटो दिखाते हैं जो डॉक्टर सालुंखे ने बनाई है। श्रुति को किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा वहां पे। श्रुति को देखा होगा और इसे भी देखा। सर, आप सर, वो खूनी का पता चला? लगे हुए ढूंढने में, देखो क्या होता है। आप जरा ये फोटो देखिए। ये कौन है? ये इसका नाम श्रुति है। उस बंगले में जो लाश मिली थी वो इसी लड़की थी। ओ बेचारी। तो ध्यान से देखिए, कुछ याद आता है? आपने कभी इस लड़की को यहाँ पे या उस बंगले के आसपास देखा? ये लड़की तो शायद दो दिन पहले आई थी। हाँ आई थी, लेकिन रात को, और इसके साथ एक बच्ची और एक आदमी भी था। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी इस लड़की को उस बंगले में लेके गया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था? चेहरा तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि वो आदमी थोड़ी दूरी पर था। सर, ये आदमी जरूर कितने नहीं होगा सर।
वो श्रुति को जानता था, इसलिए वो इस बंगले में लेकर आया उसे मारने के लिए। एक बात और, वो लोग यहाँ आए कैसे थे? अपनी कार में आए थे या? नहीं, कार तो कोई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ एक टैक्सी जरूर थी। वो जो नई वाली है ना, जिस पर लिखा रहता है टैक्सी। मेट्रो कैब? हाँ शायद वही। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ टैक्सी कौन सी आई थी। मेट्रो कैब को तो फोन करके बुलाते हैं और उसमें फोन के रिकॉर्ड्स भी होते हैं टैक्सी में। जी कहिए सर। वैसे टैक्सी तो आप फोन पे भी बुक करवा सकते थे। वैसे गाड़ी तो है हमारे पास और अच्छी भी चलती है, आखिर सीआईडी की गाड़ी है। सीआईडी की गाड़ी? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग यहाँ खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर हमारे यहाँ तो किसी का खून नहीं हुआ। हुआ है, आपके कस्टमर का खून हुआ है। सर हमारे कस्टमर का? जी हाँ, दो दिन आपकी एक टैक्सी यहाँ से मड आइलैंड पर गई थी, बंगलो नंबर 6। टैक्सी में एक आदमी था, एक औरत थी और एक छोटी बच्ची थी उसमें। सर लेकिन किसका खून हुआ है? उस औरत का और बच्ची का। देखिए हमारी टैक्सियां तो सैकड़ों लोगों को लेके यहाँ से वहां तक जाती है, और अगर उनमें से किसी का खून हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है, हमें भी, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। दो दिन पहले शाम के करीब 4 बजे, क्या बता सकते हैं आपके किस टैक्सी ने सेंट्रल स्टेशन से सवारी उठाई थी? सेंट्रल स्टेशन से? एक ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, सेंट्रल स्टेशन से लेकर मड आइलैंड तक की सवारी थी। जी हाँ ऐसी एक बुकिंग है तो सही। बुकिंग है? किसके नाम से बुकिंग है? किसी श्रुति जी के नाम से बुकिंग। श्रुति के नाम? ये श्रुति का एक खून हुआ है, खूनी बहुत चालाक है सर, जिसका खून करना था उसी के नाम पे टैक्सी बुक करवाई। इस टैक्सी पे ड्राइवर कौन था? जी प्रमोद। पर सर वो किसी का खून नहीं कर सकता। आप उस प्रमोद को बुलाइए प्लीज। सर अभी तो वो टैक्सी लेके कुलाबा गया है। कुलाबा? चल कोई बात, जैसे वो वापस आए उसे कह देना कि सीआईडी ब्यूरो में आकर। सर प्रमोद नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। दो दिन पहले तुमने सेंट्रल स्टेशन से एक सवारी ली थी मड़ के बंगले पर जाने के लिए? हाँ साहब, एक औरत थी और एक बच्ची थी। सिर्फ औरत और बच्ची थी हैं? साहब एक आदमी भी था साहब, एक उनके साथ आदमी था ना? हाँ साहब। देखो उस औरत और उस बच्ची का खून हो गया है, समझे? लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं मालूम उस खून के बारे में, मैं तो बस उनको छोड़ के आ गया था साहब। हम जानते हैं, डरो मत। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है जो उस औरत और बच्ची के साथ था टैक्सी में? जी साहब अच्छे से याद है। तो उसके फोटो बनवाओ हमारे लिए, स्केच। हो गया, देखे जरा। ये क्या हुआ? ये तो अनन्या का ड्राइवर सर। ये आदमी था श्रुति और बच्चे के साथ में? जी साहब ये याद है, ये अनन्या का ड्राइवर है। यार मेरा शक और भी मजबूत, जरूर इस हितेन ने पैसे दिए थे इसे दोनों को मारने के लिए। विवेक अनन्या से पता करो उसका ड्राइवर रहता कहां है। ये देखो यहां सोया पड़ा है। बट बट क्या हुआ है? सुबह तो मर गया क्या? देखो जरा घर को अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो एक एक कोना छान मारो। गला घोट के मारा से
एकदम पतला निशान है। शायद वायर से गला घोटा है सर। वायर से? लगता है खूनी को पता चल गया था कि हम इसकी पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। चेक करो अच्छी तरह से, देखो घर में कुछ मिलता है क्या। कोई मदद तो नहीं ली थी? ये तो अनन्या और हितेन से ही पूछना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा ड्राइवर ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो मानती है ना कि आपके पति ने ड्राइवर से कह के उन दोनों का खून करवाया, और जब उन्हें लगा कि ड्राइवर कहीं अपना मुंह न खोल दे तो उसे भी ऊपर पहुंचा दिया श्रुति के पास। लेकिन मेरे पति तो किसी श्रुति को जानते तक नहीं है। तो फिर आपका ड्राइवर सेंट्रल स्टेशन क्यों गया था टैक्सी में श्रुति को लेने के लिए? आपका ड्राइवर श्रुति और उस बच्ची को सेंट्रल स्टेशन से मड़ के एक बंगले पर लेकर गया टैक्सी, वहां पर उसने उन दोनों का खून किया और फिर उस बंगले में आग लगा दी। वो मेट्रो टैक्सी उसने किसके नाम पे बुक की थी? श्रुति, श्रुति के नाम। सर देखिए प्लीज कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। आपको उनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा सर, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। यही सबूत है, पीछा करो इसका। अनन्या का पीछा? वो क्यों सर? फ्रेडरिक्स, हमने तो इसे सिर्फ टैक्सी की बात बताई थी, तो फिर इसके मुंह से मेट्रो टैक्सी का नाम कैसे निकला? होटल के अंदर गई है सर, जरूर यहाँ किसी से मिलनी आई होगी। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये खिचड़ी अनन्या अकेले नहीं पका रही है, कोई और भी है साथ में उसके। क्या किसी ने खिचड़ी पकाई और मुझे पता भी नहीं चला? वैसे भी खिचड़ी का नाम सुनते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे सर। पेड़ी खिचड़ी बहुत टेस्टी थी, सारी खिचड़ी वो विवेक खा गया। विवेक खा गया? आने दो उसे, एक एक चावल का हिसाब लूंगा उससे। अरे यार विवेक हितेन को लाने गया है, जब आएगा तो हिसाब किताब कर लेना। पहले देखते हैं अनन्या यहाँ पर किससे मिलने आई है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये हर दूसरे दिन यहाँ पे आती है किसी से मिलने के लिए।
हर दूसरे दिन आती है। हाँ सर। इसका मतलब जरूर कोई जान पहचान वाला आदमी होगा, कोई करीबी दोस्त। जल्दी खोलो ना, कोई आ गया तो। कौन है? रूम सर्विस मैडम। लेकिन हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, आ जाइए यहाँ से। मैडम यहीं से ऑर्डर किया है, आपको लेना पड़ेगा। मैडम चिकन बिरयानी कौन खाएगा? ये आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। मैडम कहा ना, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाइए यहाँ से। नहीं मैडम, आप दरवाजा तो खोलिए, ये ऑर्डर आप ही के रूम का है। अरे मैंने कहा ना कुछ ऑर्डर नहीं किया मैंने। देखिए मैडम, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना मैडम। ये क्या बतमीजी है, आप क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं? तमीज तो हम बाद में सीख लेंगे मैडम, पहले ये बताओ आपका दोस्त कहाँ है? मेरा कौन सा दोस्त? वही दोस्त जिसे तुम मिलने आई हो यहाँ पर, कहाँ वो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आराम करने आई हूँ बस। अच्छा, आराम तो आप घर पे भी कर सकती थी, यहाँ होटल में आने की क्या जरूरत है? कहाँ चुपके बैठा वो? अरे मैंने कहा ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दीजिए, आपके पति आपसे कुछ पूछ रहे हैं अनन्या जी, जवाब दीजिए। मुझे माफ कर दो प्लीज, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या मतलब तुम कर रही थी सब मेरे साथ? पर क्यों? मैं और नितिन कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। I can't believe this. मगर हमारे घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अरण्य की शादी तुम्हारे साथ कर दी और फिर मेरी भी शादी श्रुति के साथ हो गई। और कुछ सालों के बाद मैं और अरण्य मिले तो और फिर इन्होंने प्लान बनाया श्रुति को खत्म करने का। दूसरा प्लान, इतन तुम्हें किसी भी तरह पागल साबित करने का। क्यों, हाँ या ना? दो लोगों को मारा है तुमने, दो लोगों को, उनको जो तुम्हारी फैमिली थे, तुम्हारा परिवार था। सब पाप करने से पहले तो हैवान भी कांप जाता है, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मैं प्यार में अंधा हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनन्या। प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। वाह, अब माफी मांग रही हो? तुम दोनों ने मिलकर दो घर उजाड़े हैं, दो घर। तुम दोनों के लिए तो सौ फांसी अभी कम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.